सिवान में फ्राइड चिकन के साथ साथ फास्ट फूड खाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब सिवान शहर के महादेवा रोड स्थित VMH स्कूल के नजदीक AFC अमेरिकन फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है। सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर AFC रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। बता दें कि यह रेस्टोरेंट सिवान वासियों को लजीज व्यंजनों के साथ साथ बेहतरीन अनुभव कराएगा। रेस्टोरेंट डायरेक्टर स्मृति कुमुद ने बताया कि यहाँ सिवान के लोगों के स्वाद के साथ साथ हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उद्घाटन के साथ सभी ग्राहकों के लिए विशेष छूट भी दिया जा रहा है, साथ ही होम डिलीवरी की भी पूरी व्यवस्था है। AFC का रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो इसकी जरूरत थी सिवान में, आवश्यकता की पूर्ति है, रेस्टोरेंट करेगा और यहाँ अच्छे तरह से लोगों की सेवा होगा। और यह जो रेस्टोरेंट है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसमें काफ़ी विकास हो, इसमें काम करने वाले लोग को काफ़ी तरक्की हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और इसमें जितने काम करने वाले लोग हैं सब लोगों को अपने तरफ से शुभकामना भी देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अपार हर्ष की बात है कि जो बाहर में हमारे सिवान के वासी, सिवान के लोग, हमारे सभी लोग बाहर जाया करते थे, जो AFC अभिषेक जी के द्वारा, जो मेरे बेटा भी, हम मैं उनको मानती हूँ, बेटा कहती हूँ और हैं भी, उनके द्वारा AFC का उद्घाटन करके सिवान वासियों के लिए एक नया चीज़ देने का काम किए हैं। मैं यही कामना करूंगी कि यह दिन दूना रात चौगुना बढ़े, यह हमारा बेटा है, यह तरक्की करे, आगे बढ़े, हम सब काफ़ी खुश हैं आज के दिन। जो बिहार के पहले जो नाम लिया जाता था कि पिछड़ा प्रदेश है, आज सिवान में AFC एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। इसके पहले हम लोग पटना देखे थे और आज उसका नज़ारा यहाँ दिख रहा है, ये सिवान वासियों के लिए और हम सभी के लिए गर्व की बात है। सिवान बदल रहा है, सिवान बदल रहा है, सिवान बदल चुका है, बिहार बदल नहीं रहा, बिहार बदल चुका है। और यहाँ के लोग, सिवान के लोग, बिहार के लोग अब शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और लाइफ स्टाइल भी बदल रहा है, तो अच्छी बात है और अच्छा संकेत है सिवान के लिए। हाँ, इसके पहले बेंगलोर में मैंने अपना सेम फ्रेंचाइजी आउटलेट स्टार्ट किया था, तो उसको जब मैं यहाँ लॉकडाउन में होम टाउन में अपने फंसी हुई थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी उस टाइप का कुछ किया जाए, यहाँ के लोगों के लिए वैसा एम्बियंस, वैसी चीज़ें, सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से यहाँ भी अरेंज की जाए, ताकि लोग यहाँ भी सारी सुविधाएं वैसी मिले जैसे कि हम लोग बड़े शहरों में, जैसे दिल्ली में, बेंगलोर में और बाकी जगह हम लोग सारे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छा एम्बियंस होता है। हम लोग यहाँ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है, ऐसा नहीं है कि फ्राइड चिकन नहीं मिल रहा है या बर्गर नहीं मिल रहा है, पिज़्ज़ा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर हाइजीन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। वेज किचन और नॉन वेज किचन को हमने सेपरेट किया है, ताकि जो लोग आते हैं जो सिर्फ प्योर वेजिटेरियन हैं उनको भी ये सारी सुविधाएं मिल सके, उनको किसी तरह का कोई इशू ना हो, तो वो सारी चीज़ें हमने अपने किचन में स्पेसिफिक की हैं और लोग आए हमारे अच्छे से एम्बियंस में बैठे और हमको अच्छा फीडबैक दें और जो भी यहाँ पे इशू हो वो बताएं। सिवान की जनता से अनुरोध है कि वो आएँ और हमें बताएं कि यहाँ पे और क्या करना है, अगर वो हमारा साथ देंगे तो हम और इसको बढ़ा सकेंगे। और मेरा प्रयास है कि सिवान के वासी जो ये सब टेस्ट लेने के लिए पटना या दिल्ली मुंबई जाते थे बड़े बड़े शहरों में, वो सेम टेस्ट को सिवान में भी अब वो ले सकते हैं और यहाँ अपना एंजॉय कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी मना सकते हैं, फेयरवेल कर सकते हैं, गेट टुगेदर पार्टी कर सकते हैं। क्या कुछ खास है यहाँ पे, भेज नॉन भेज क्या कुछ? यहाँ भेज और नॉन भेज दोनों हैं और दोनों के लिए स्पेसिफिक सेफ है और वो एक पढ़ा लिखा मतलब शेफ के द्वारा यहाँ जो भी चीज़ उपलब्ध कराया जाता है और उसका एक सब का एक मेनू का अलग अलग रेसिपी है और उस पर काम होता है। सिवान वासियों से मेरा अनुरोध है कि यहाँ आए और एक बार इसका टेस्ट लें, फिर मुझे फीडबैक दें और मुझे सुधार करने का भी मौका दें अगर मुझसे कोई गलती होती है।